हेलो एवरीवन। अच्छा, प्रॉफिट्स प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन के क्वेश्चन नंबर 4 पे जरा आओगे, एक बार फोर्थ आओ जरा। उसने कहा साई दीप लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1st August टू टेक ओवर द रनिंग बिजनेस ऑफ कृष्णा ब्रदर्स विद इफेक्ट फ्रॉम 1st April। कंपनी रिसीव्ड सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑन 1st October। आपको PL दे रखा है, नोटिस करो PL की बाय साइड पे सबसे पहली चीज GP तो आपको दे ही रखा है, तो पहला स्टेप था ट्रेडिंग अकाउंट बनाना, वो बनाने की जरूरत नहीं। सीधे एक काम करो, रेशियोज निकालो। पहले टाइम रेशियो फॉर्मूला, प्री इनकॉर्पोरेशन का पीरियड इज टू पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का पीरियड। चलो पहले बताओ ये साल शुरू कब हुआ? 1st April 96 को शुरू हुआ अप टू द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन 1st August 96 इज टू 1st August 96। और बताओ ये साल खत्म कब हुआ? 31st March 97। तो अप्रैल मई जून जुलाई 4 मंथ्स प्री के और 8 मंथ्स पोस्ट के, तो 1:2 का रेशियो आ गया आपका। ठीक है, अब आ जाओ सेल्स रेशियो फॉर्मूला। प्री इनकॉर्पोरेशन की सेल्स इज टू पोस्ट इनकॉर्पोरेशन की सेल्स। ठीक है, चलो मुझे बताना जरा, अब ये थोड़ा ध्यान से जरा समझना है इसे। एक काम करो सब, नीचे जो ए पॉइंट है ना उसे एक बार पढ़ोगे जरा। ए पॉइंट उसने कहा टोटल सेल्स फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 8 lakh अरोज evenly up to the date of certificate of commencement, whereafter they recorded an increase of 2/3 during the remaining period। मैं आपको समझाता हूं केस क्या है। देखो एक काम करो जरा, अप्रैल से लेके ना मार्च तक सारे मंथ्स एक बार लिख लो जरा। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। उसने क्या कहा? उसने कहा जो सेल्स है ना अरोज इवनली मतलब सेम अप टू द डेट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट। ऊपर पढ़ो फर्स्ट पैराग्राफ में कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट कब मिला था? 1st October को। तो पता है उसका कहने का क्या मतलब है कि जो सेल्स है ना वो सितंबर तक कांस्टेंट सेम चलती आ रही थी, मान लेते हैं एक्स थी, कब तक? सितंबर तक सेम चलती आ रही थी। उसके बाद एकदम से सेल्स में 2/3 का इंक्रीज आ गया, तो बताओ अक्टूबर की सेल्स कितनी हो जाएंगी? एक्स प्लस 2/3 ऑफ एक्स यानी 5x/3। ऐसी नवंबर की 5x/3, 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 5x/3। ठीक है, चलो अब निकालते हैं प्री की सेल। मुझे बताओ प्री में कितने मंथ्स फॉल कर रहे हैं? 4। कौन कौन से? अप्रैल, मई, जून, जुलाई। तो इन 4 मंथ्स की तो हो गई सीधी सीधी 4x इज टू। पोस्ट में है 8 मंथ्स, 8 में से 2 मंथ्स तो है एक्स, तो 2x प्लस 6 मंथ्स है 5x/3। तो सॉल्व करो 4x इज टू, ये आ गया आपका मेरे ख्याल से 12x। तो 1:3 का सेल्स रेशियो आ गया आपका। चलो अब अगला स्टेप हमारा क्या होता है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। 4 कॉलम बनाना, पर्टिकुलर्स, रेशियो, प्री, पोस्ट। सबसे पहले जीपी को ब्रॉड डाउन करो, कौन से रेशियो में? सेल्स रेशियो में 1:3। तो 80 को बांटो 20 और 60। अच्छा नोटिस करना एक इनकम और है, शेयर ट्रांसफर फीस। बताओगे ये शेयर ट्रांसफर फीस किसकी इनकम होगी? कंपनी की, पोस्ट में आएगा 1000। ठीक है, चलो
तो ये आ गया टोटल 20 और 61। चलो अब इसमें से माइनस करना शुरू करते हैं एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस चलो पहला एक्सपेंस कौन सा है करो जरा अपने आप, ऑफिस सैलरी। एक काम करना नीचे चेक करते चलना कोई एडजस्टमेंट्स। ऑफिस सैलरी की कोई एडजस्टमेंट नहीं है, कौन से रेशियो में बांटोगे? टाइम रेशियो में, 1:2 फिक्स नेचर का खर्चा है तो 21,000 को 1:2 में बांट दो, 7,000, 14,000। पार्टनर सैलरी, पार्टनर को कौन सैलरी देगा? पार्टनरशिप फर्म देगी तो प्री का खर्चा है 6,000। एडवर्टिजमेंट सेल्स रेशियो में बटेगा 1:3, 1,100, 3,300। प्रिंटिंग 1:2 में फिक्स नेचर का खर्चा है 500, 1,000। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ये देखना जरा, इसकी मेरे ख्याल से एक एडजस्टमेंट दे रखी है। नीचे पढ़ना उसने क्या कहा था, उसने कहा था ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड 1,600 टुवर्ड्स सेल्स प्रमोशन। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 4,000 के थे, उसने कहा 4,000 में से सेल्स प्रमोशन से रिलेटिंग कितने हैं? 1,600। तो जो सेल्स प्रमोशन से रिलेटिंग है वो तो सेल्स रेशियो में बटेंगे 1:3 में, 400 और 1,200 बचे अदर्स। अच्छा 4,000 में से 1,600 तो ये हो गए, बचे 2,400, उन्हें टाइम रेशियो में बांट दो, 800 और 1,600। ठीक है, फिर ऑफिस रेंट, चलो आ जाओ एक एडजस्टमेंट है इसकी। ऑफिस रेंट का वर्किंग नोट जरा बनाओगे मेरे साथ साथ सब। ऑफिस रेंट पढ़ना नीचे बी पॉइंट, ऑफिस रेंट वॉज पेड एट द रेट ऑफ 8,400 पर एनम अप टू 30th September एंड देयर आफ्टर इट वॉज पेड एट 10,800 पर एनम। एक काम करो सारे मंथ्स एक बार लिख लो, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। उसने कहा सितंबर तक का जो रेंट था वो 8,400 पर एनम था, तो पूरे साल का 8,400 डिवाइड बाय 12 तो 700 रुपए पर मंथ। तो सितंबर तक का रेंट 700 रुपए पर मंथ था सितंबर तक का, उसके बाद रेंट बढ़ के हो गया 10,800 पर मंथ डिवाइड बाय 12, 900 रुपए पर मंथ। तो अक्टूबर ऑनवर्ड्स रेंट हो गया 900 रुपीज पर मंथ। ठीक है, अब बताओ इसमें से प्री में ये चार मंथ्स फॉल करते हैं, 700 × 4 तो 2,800, तो ये आ गया। और अगर मैं पोस्ट की बात करूं वो तो वैसे आप सीधे चाहो तो निकाल सकते हो, पूरे साल का ऑफिस रेंट पीएल देखो अपना 9,600 दे रखा था जिसमें से प्री का 2,800 है तो बचा 6,800, वो पोस्ट का होगा। ठीक है चलो कंटिन्यू करते हैं आगे। अगला बताओ, अगला खर्चा कौन सा है? इलेक्ट्रिसिटी 1:2 टाइम रेशियो में बटेगा 300 600, 300 और 600। ठीक है, फिर इलेक्ट्रिसिटी के बाद ऑडिटर्स चार्जेस, ऑडिट फीस यानी सेल्स रेशियो में बढ़ती है 1:3 में तो 150 450। डायरेक्टर्स चार्जेस, डायरेक्टर तो कंपनी में होगा, पोस्ट का खर्चा है 1,000। बैड डेट्स, अच्छा बैड डेट्स के लिए कुछ कहा था उसने, नीचे पढ़ो डी पॉइंट। उसने कहा था बैड डेट्स रिटर्न ऑफ अ डेट ऑफ 400 टेकन ओवर फ्रॉम द वेंडर
अच्छा बैड डेट 1200 रुपए के थे, जिसमें से उसने कहा वेंडर का बैड डेट 400 रुपए का था। और अगर आपको याद हो तो मैं आपको बता चुका हूं इस चैप्टर में वेंडर मतलब सेलर हमेशा कौन होगी, पार्टनरशिप फॉर्म। तो उसने कहा 400 रुपए का बैड डेट सेलर का है, मतलब पार्टनरशिप फॉर्म का है, तो प्रीमियम आ गया। और 800 रुपए का बैड डेट, पढ़ना, 800 रुपए का बैड डेट उन गुड्स के रिस्पेक्ट में है जो सितंबर में बेचे थे। अच्छा बताओ 800 रुपए का बैड डेट उन गुड्स के रिस्पेक्ट में है जो सितंबर में बेचे थे। सितंबर में वो गुड्स किसने बेचे होंगे, कंपनी ने ना, तो बैड डेट किसका खर्चा होगा, कंपनी का। तो यहां पर लिखना एक्चुअल, फिर कमीशन सेल्स रेशियो में जाएगा 1:3 में, 1000 3000। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस पोस्ट में जाएगा, कंपनी का खर्चा है 700 रुपए। डिबेंचर इंटरेस्ट पोस्ट में जाएगा, कंपनी का खर्चा है 1600 रुपए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनरशिप फर्म पे करती है अपने पार्टनर्स को, तो प्री का खर्चा है 1800 रुपए। और लास्ट आता है डेप्रिसिएशन। सुनना मेरी बात, ये आपको मैं एक बार बताऊं काम की बात, डेप्रिसिएशन ना प्री में भी आ सकता है, पोस्ट में भी आ सकता है, खाली पोस्ट में भी आ सकता है। डेप्रिसिएशन कौन से पीरियड में आएगा वो डिपेंड करता है जिन असेट्स पे वो डेप्रिसिएशन है ना, वो असेट खरीदे कब है। अब सोचो अगर हमने कोई असेट प्री में खरीदे तो उन पे डेप प्री में भी आएगा और पोस्ट में भी आएगा, लेकिन अगर हमने कोई असेट पोस्ट में खरीदा तो उस पे डेप प्री में नहीं आएगा, उस पे डेप सिर्फ पोस्ट में आएगा। नीचे ई पॉइंट पढ़ना, डेप्रिसिएशन इंक्लूड्स 600 फॉर असेट्स एक्वायर्ड इन पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। अच्छा 2100 रुपए के डेप में से 600 रुपए का डेप उन असेट्स पे है जो पोस्ट में खरीदे, उन असेट्स पे है जो पोस्ट में खरीदे, तो उस पे तो पूरा डेप पोस्ट में ही आएगा। ठीक है, ये कब खरीदे हैं, पोस्ट एक्विजिशन में खरीदे हैं। अच्छा बताओ 2100 रुपए में से 600 रुपए का डेप्रिसिएशन उन असेट्स पे है जो पोस्ट में खरीदे, तो बचा 1500 का डेप्रिसिएशन, 1500 का डेप्रिसिएशन उन असेट्स पे होगा जो प्री में खरीदे, और जो प्री में खरीदे उस पे डेप प्री में भी आएगा और पोस्ट में भी। कौन से रेशियो में, टाइम रेशियो में, तो 1500 को टाइम रेशियो में बांटो 500 और 1000, बस ये आपके प्रॉफिट्स आ जाएंगे। चलो निकाल देते हैं, 20,000 -7,000 -6,000 -1100 -500 -400 800 2800 300 150 400 1000 1800 500 2750 का ना लॉस आ रहा है प्री का। अच्छा और पोस्ट का अगर देखें 60,000 +1000 -14,000 -3300 -1000 -1200 -1600 -6800 -600 -450 -1000 -800 -3000 -700 -1600 -600 -1000 23350 का प्रॉफिट। बस अच्छा इसमें एक छोटी सी बात आपको बता दूं, मैंने कहा था प्री का अगर प्रॉफिट आएगा तो कैपिटल रिजर्व में जाएगा, और प्री का अगर लॉस आएगा ना तो लॉस गुडविल में जाता है, यह बात याद रखना। प्री में अगर प्रॉफिट आएगा तो कैपिटल रिजर्व, लॉस आएगा तो गुडविल।
पोस्ट में प्रॉफिट आए या लॉस आए, पीएल में जाएगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, चलो बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। थैंक यू। ठीक है, कॉपी कर लो ये। ठीक है, तो इसमें याद रखना, अगर प्री में प्रॉफिट आता है तो कैपिटल रिजर्व, अगर प्री का लॉस आता है तो गुडविल, पोस्ट में प्रॉफिट आए या लॉस आए दोनों ही केस में पीएल में जाएगा। ठीक है, चलो बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू।